धीरज, अरे तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम पर इतना उदास क्यों हूँ? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, ये लो एक पत्थर, तुम्हें इसकी कीमत पता करके आना है। अरे रुको रुको भाई रुको, मैं इस पत्थर को बेचना चाहता हूँ। कितनी कीमत लोगे इसकी? 2 रुपए दे दो क्या? नहीं, मैं इसको बेचना नहीं चाहता। पिताजी पिताजी, एक कुवारी ने तो इसकी 2 रुपए कीमत लगाई। 2 रुपए? तुम ऐसा करो किसी और दुकानदार के पास जाओ। मैं इस पत्थर को बेचना चाहता हूँ। कितनी कीमत लगाऊं? 200 रुपये दे दूंगा। नहीं, मैं भी इसको बेचना नहीं चाहता। पिताजी, एक दुकानदार ने तो इसकी 200 रुपये कीमत लगाई। 200 रुपये? तुम ऐसा करो किसी और दुकानदार के पास जाओ। मैं इस पत्थर को बेचना चाहता हूँ, क्या आप इसको खरीदेंगे? हाँ। कितना सुंदर पत्थर है, कितनी कीमत लोगे? 2000 कह दो। नहीं, मैं इसको बेचना नहीं चाहता। पिताजी पिताजी, एक दुकानदार ने तो इसकी 2000 रुपये कीमत लगाई। 2000 रुपये? अब तुम ऐसा करो एक जोहरी के पास जाओ। अरे लड़के कहाँ चला आ रहा है? मैं इस पत्थर को बेचना चाहता हूँ, क्या आप इसको खरीदेंगे? पत्थर बड़ा सुंदर पत्थर है, कीमती है। मैं तो इसको कब से ढूंढ रहा था, कितनी कीमत लोगे? 2000? 2 लाख? 2 करोड़ दे दूँ? नहीं, मैं इसको बेचना नहीं चाहता। ले लो। नहीं, मैं इसको बेचना नहीं चाहता। 2 करोड़ दूंगी, ले लो। नहीं, मैं इसको बेचना नहीं चाहता। पिताजी पिताजी, एक जोहरी ने तो इसकी 2 करोड़ कीमत लगाई। क्या 2 करोड़? आप समझे, ये कोई मामूली पत्थर नहीं, ये एक कीमती हीरा है। इसी प्रकार हमारा जीवन है, जैसे कि अब तुम बेटा, जब तुम एक कबाड़िए के पास गए थे तो उसने इसकी कीमत सिर्फ 2 रुपये लगाई थी, और तुम जब एक दुकानदार के पास गए थे तो उसने इसकी कीमत 200 रुपये लगाई थी, जब तुम तीसरे दुकानदार के पास गए थे तो उसने इसकी कीमत 2000 रुपये लगाई थी, जब तुम एक जौहरी के पास गए थे तो उसने इसकी कीमत 2 करोड़ लगाई थी। अब समझे, एक हीरे की कीमत एक जौहरी ही जानता है। इसी प्रकार हमारा जीवन है, अगर हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम करें तो हमारा जीवन एकदम हीरे जैसा कीमती हो जाएगा। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए।